हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आईटीआई क्लास में। आईटीआई क्लास में दोस्तों, जो भी पॉलिटेक्निक हॉट एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो हमारे वीडियो को शुरू से ज़रूर देखें। इसमें आपको 11 हिस्ट्री से क्वेश्चन बताया जाएगा, हिस्ट्री से और 11 ज्योग्राफी से, उसके बाद और 11 खेल संबंधी से प्रश्न यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना। तो आइए, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छा लगेगा तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है। आपका ऑप्शन में है 8 गज, बी 10 गज, सी 11 गज, डी 12 गज। तो आपका सही आंसर होगा ए, 8 गज से हॉकी का पेंदिश को मार जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का प्रश्न है, क्यू किस खेल से संबंधित है। ए बैडमिंटन, बी आइस्टेक बॉल, सी एस बॉल, डी बिलियर्ड्स। तो आपका सही आंसर होगा डी बिलियर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 3 में है, गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है। ए में है टेनिस से, बी क्रिकेट से, सी पोलो से, डी बिलियर्ड्स से। तो 3 का आपका सही आंसर हो जाएगा ए टेनिस से। ओके चलिए प्रश्न संख्या 4 से बात करते हैं। 4 का प्रश्न है, गगन नारंग किस रूप में प्रसिद्ध है। गगन नारंग किस रूप में प्रसिद्ध है। तो 4 का आपका सही आंसर होगा सी एयर राइफल शूटर। वे क्या आते हैं, एयर राइफल शूटर में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 5 में सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, रूस जो है ना कभी क्रिकेट नहीं खेलता है। आप इंग्लैंड को देखे होंगे, पाकिस्तान को देखे होंगे खेलते, दक्षिण अफ्रीका को देखे होंगे, लेकिन रूस को नहीं देखे होंगे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में, निम्नलिखित में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है। फिर आ गया तो क्वेश्चन अलग है, ऑप्शन में अलग अलग अंतर मिलेगा आपको। ए में है जापान, बी में है न्यूजीलैंड, सी में ऑस्ट्रेलिया, डी में है बांग्लादेश। तो आप न्यूजीलैंड को भी देखे होंगे खेलते हुए, बांग्लादेश को भी देखे होंगे और ऑस्ट्रेलिया को भी देखे होंगे, लेकिन जापान को नहीं देखे होंगे। तो आपका सही क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा जापान हो जाएगा। जापान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है। क्वेश्चन नंबर 7, किस खिलाड़ी का उपनाम टेनिस द नीरोरा है। ऑप्शन ए में आंध्र अगासी, बी जिग कुरियर, सी में है पीटर संपड़ा, डी में है जॉन मैकनरो। तो 7 का आपका सही आंसर होगा ए आंद्रे असाड़ी। क्वेश्चन नंबर 8 में है, परिमार्जन नेगी ने निम्नलिखित में से कौन से खेल में विशिष्टता दिखाई है। मतलब परिमार्जन नेगी जो है किस खेल में सबसे विशिष्ट प्रदर्शन दिखाए हैं, वह है आपका शतरंज खेल में। क्वेश्चन नंबर 9 में है प्रश्न संख्या 9 में है, सन मुगम वेंकटेंस निम्नलिखित खेलों में से किस एक के उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं। तो आपका सही उत्तर होगा सी फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 10 का प्रश्न है, प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह निम्नलिखित देशों में से किससे संबंधित है। कहने का अर्थ है कि प्रसिद्ध खिलाड़ी जो है ना विजय सिंह जो है, जो गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, वह किस देश से हैं, किस देश के निवासी हैं। वह है फिली देश का। किसका, फिली। ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 11, 11 में है सयाली गोखले का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। आपका सही उत्तर होगा डी, शतरंज से है। यह तो आपका दोस्तों खेल संबंधी प्रश्न था। अब आपका प्रश्न आता है ज्योग्राफी से, ज्योग्राफी से भी रहेगा क्वेश्चन, आपका 11 है। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित में कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। ए में है क्षुद्र ग्रह, बी है धूमकेतु, सी ग्रह, डी निहारिका। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, निहारिका। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किनके बीच औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। किनके बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। ए में है पृथ्वी तथा सूर्य, बी में है सूर्य तथा चंद्रमा, सी में है बृहस्पति तथा सूर्य, और डी में है प्लूटो तथा सूर्य। तो 2 का आपका सही उत्तर होगा ए, पृथ्वी तथा सूर्य। क्वेश्चन नंबर 3 में है सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व यहूतायन में पाया जाता है। यानी पृथ्वी में हाइड्रोजन के अलावा और बहुत संख्या में कौन सा गैस पाया जाता है। ए में हीलियम, बी में नियॉन, सी आर्गन, डी ऑक्सीजन। तो आपका सही उत्तर होगा ए, हीलियम। इसका संकेत होता है HE। प्रश्न संख्या 4 का प्रश्न है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। यानी कौन ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी के आकार जैसा ही, यानी जितना बड़ा पृथ्वी है लगभग उतनी ही बड़ी जो वह ग्रह है। ए में है बुध ग्रह, जिसको मरकरी भी कहते हैं, बी में है मंगल ग्रह, सी में है वीनस, जिसको कहते हैं बुध ग्रह, डी में है प्लूटो। तो आपका सही उत्तर होगा सी, प्लूटो, सॉरी वीनस, शुक्र ग्रह है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में सौर, हाँ 4 तो हो चुका, अब 5, तो 5 5, चलिए 5 पे आ गए। 5 का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। कौन सा ग्रह है जो सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। ए में है बुध, बी में है शुक्र, सी में है पृथ्वी, और डी में है मंगल। तो आपका सही उत्तर होगा ए, बुध ग्रह जो है पृथ्वी का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेट प्लेनेट कहा जाता है। यानी कि किसे नीला ग्रह कहा जाता है, इसका मतलब यह होगा ब्लू प्लेनेट के बना हुआ नीला ग्रह किसे कहा जाता है। ए शनि, बी पृथ्वी, सी बृहस्पति, डी मंगल। तो आपका सही उत्तर होगा बी, पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह। क्वेश्चन नंबर 7 में है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं जैसे कि, और पृथ्वी जो है ना उसकी परिक्रमा करती है, यानी किसने कहा कि हमारा सूर्य केंद्र हुआ और इसके चारों ओर जो है ना पृथ्वी इस तरह से चक्कर लगाती है। यह बात किसने कहा था। ए में है न्यूटन, बी है गैलीलियो, सी में है पाणिनि, डी में है कॉपरनिकस। तो आपका सही उत्तर होगा डी, कॉपरनिकस ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 8 में है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है। ए में है उत्तर अयनांत, बी में है दक्षिण अयनांत, सी में है अपसौर, डी में है उपसौर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा सी, अपसौर के कारण होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 में है, किस में पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है।
क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। यानी कि कौन ऐसा ग्रह है जिसमें कि पृथ्वी पर तो आदमी रहे करता है, और कौन ऐसा ग्रह है इस पर कि पृथ्वी के अलावा और किसी पर आदमी रहता है? ए बृहस्पति, बी मंगल, सी यूरोप यूरोपा, डी चंद्रमा। तो आप सभी को पता है कि जनजीवन जो है पृथ्वी के जैसा ही है, पृथ्वी के जैसा ही जीवन जो है ना मंगल ग्रह पे रहता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी मंगल ग्रह। क्वेश्चन नंबर 10 में है, सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा अधिकतम समय लेता है? यानी कि सूर्य का चक्कर लगाने में, ठीक है ना, सूर्य का चक्कर लगाने में कौन सा ऐसा ग्रह है जो कि कम समय लेता है? ए में पृथ्वी, बी बृहस्पति, सी मंगल, डी शुक्र। तो आपका सही उत्तर होगा बी बृहस्पति ग्रह जो है ना सूर्य का चक्कर लगाने में बहुत कम समय लेता है। क्वेश्चन नंबर ज्योग्राफी का 11 है और लास्ट है इसका, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? यानी कौन ऐसा ग्रह है जो कि हरे रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करता है? ए में बृहस्पति, बी में है शुक्र, और सी में है यूरेनस, और डी में है शनि। तो आपका उत्तर हो जाएगा सही, शनि। चलिए अब चलते हैं इतिहास की ओर। फिर इतिहास में आपको मिलेगा 11 प्रश्न। पहला प्रश्न है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? यानी पैमाना का खोज जो है ना सबसे पहले जो है ना सिंधु घाटी के लोगों को हुआ था, ठीक है ना, इस बात से सभी लोग परिचित थे। लेकिन यह खोज सबसे पहले यह खोज कहाँ पर हुआ था? ए कालीयंग, ए में है कालीयंग, काली बंगन है, बी में हड़प्पा, बी है सी में है चन्हुद्रो, और डी में है लोथल। तो आपका सही उत्तर होगा लोथल पर हुआ, लोथल में। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, बी पशुपालन, सी शिकार, डी कृषि। तो मुख्य उसका जो व्यापार था वह क्या था? व्यापार था, यानी कि उसका जो मुख्य जो क्या था, उसको जो व्यवसाय था, बिजनेस था, वह क्या था? व्यापार करना। क्वेश्चन नंबर 3, 3 में है, निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? ए कालीबंगा, बी रोपर, बी बनावली, सी लोथल। तो आपका सही आंसर है बिल्कुल है डी लोथल है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 4 में है, उत्तर वेदी काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? ए में है यजमान, बी में है श्रमण, सी में है अथर्ववेन, अथर्ववेद, डी में है श्रेष्ठिन। तो आपका सही उत्तर होगा बी श्रमण के नाम से जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 5 में है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? वह लिए गए थे मुंडक उपनिषद से, ऑप्शन नंबर ए है सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6, 6 में है, भारत के किस स्थल पर खुदाई से लोह, किस स्थल पर खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो 6 का आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, बी में है अतरंजी खेरा, इसमें है अतरंजी खेरा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, 7 में है, किस वेद में, 7 पहुंच चुका, हाँ 7 में, किस वेद में जुदाई माया और वशीकरण का वर्णन है? यानी किस वेद में जो है ना
जुदाई माया और वशीकरण का क्या है वर्णन है किस वेद में? ए में है ऋग्वेद, बी में है यजुर्वेद, सी में है सामवेद, डी में अथर्वेद। तो 7 का सही आंसर होगा डी अथर्वेद। 8 में है ऋग्वेद में निम्नांकित नदियों का उल्लेख, निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ए में है अरिकनी, बी में है पर्सनी, डी है कुभाक्रमु, सी में कुभाक्रमु और डी में है विपास शत्रुदी। अब सही उत्तर होगा सी कुमाक्रमु। क्वेश्चन नंबर 9, 9 में है किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? किस शासक ने ऐसा किया था? ए अजातशत्रु, बी है उदयन, सी में है अशोक, डी में है घन नंद। आपका होगा 9 का ऑप्शन नंबर बी उदयन। क्वेश्चन नंबर 10 में है निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? किस ए में है गंगाधार, बी में है कंबोज, सी में काशी, डी में मगध। आपका सही उत्तर होगा मगध। क्या होगा? मगध होगा। चलिए लास्ट प्रश्न है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्य आरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया? यानी कि किस शासक ने अपने पिता को मार दिया और इसी पिता के कारण से भी उसके पुत्र ने उसको मार दिया? तो आपका 11 का सही आंसर हो जाएगा बी अजात शत्रु, एक ऐसे शासक थे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डेली आपको जो है इस तरह से वीडियो मिलते रहेगा। 11 या 33, यानी आपको टोटल जो है ना 33 ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बताया गया है जो कि आपका पॉलिटेक्निक और आईटीआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल कल मिलते हैं। धन्यवाद।